हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले जेम माइक्रोचिप के बारे में। अब दोस्तों, बहुत सारे बंदों के पास जेम माइक्रोचिप है, बहुत सारे बंदों के पास नहीं है, पर बहुत सारे बंदे इसका यूज करना नहीं जानते। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जेम माइक्रोचिप आपको कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेंगी, इसका यूज कैसे करें, कितने डायमंड कितने कॉइन मिलेंगे और इसका यूज करना प्रॉपरली आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि आप इसका यूज करना सीख जाओगे तो भाई आप CS हो BR हो CS रैंक हो BR रैंक हो या लोन वोल्फ हो या कोई कस्टम हो, कोई भी बंदा आपके सामने टिक नहीं पाएगा, पूरी स्क्वाड आपके सामने घुटने टेक के हार मान जाएगी अगर आपने जे माइक्रोचिप का यूज करना सीख लिया अच्छे से। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्लस अपडेट और हाँ हर कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाता है, जो कि बाकी यूट्यूबर आपको शायद ही देते होंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा आज के वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैरेक्टर में जाते हैं। जे माइक्रोचिप का हमको एक भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों, जो जे माइक्रोचिप आपको दिखेगी कैसे, गाइस आपको सिंपली अपने स्टोर में जाना है। स्टोर में आने के बाद में आपको प्री सेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर जे माइक्रोचिप देखने को मिलेगा जो कि कोई कैरेक्टर नहीं है, ये ओनली जे माइक्रोचिप है। कैरेक्टर की एबिलिटी है जो कि हमारे फ्री फायर ने रिमूव कर दिया, जो कि ऋतिक रोशन से मिलता था। अब आपको यहां से इसको सिंपली खरीद लेना, 10,000 कॉइन देके खरीद लो या 199 डायमंड देके खरीद लो। तो गाइस, डायमंड तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको कॉइन लेके खरीद लेना चाहिए। अब आपको बताता हूं, जे माइक्रोचिप के साथ और जे माइक्रोचिप के बिना क्या क्या गेम में चेंजेस आते हैं। मोस्टली हम गेम में मारे क्यों जाते हैं, या तो हमारी गन की एमओ खत्म हो जाती है या फिर हमारी गन रिलोड पे चली जाती है और एनिमी हमको मार लेता है। जैसे कि अभी मेरी M10 रिलोड पे गई और रिलोड के चक्कर में मैं एनिमी को मार नहीं पाया। अब दोस्तों, इसका सोल्यूशन है जे कैरेक्टर। अभी मैंने जे माइक्रोचिप लगा लिया, अभी हम चलते गेम का और आपको बताता हूं आपको करना है क्या है। गाइस, अभी मैं सामने एक एनिमी को देख रहा हूं, एनिमी को मार के दिखाता हूं आपको, ठीक है, और गन को एक बार भी रिलोड नहीं करूंगा। अभी 3 गोलियां बची है। जैसे मैंने कैरेक्टर की स्किल के यूज किया, यहां पर 6 गोलियां अपने आप हो गई। देख सकते हो यहां पर, जैसे मैंने एनिमी को मारा वापस से 6 गोलियां अपने आप हो गई, यानी कि आपको गन को एक बार भी रिलोड करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब दोस्तों, यहाँ पर यही काम आप CS और BR के अंदर कर सकते हो। लगातार मैं आपको बताता हूँ मैं कितने किल कर सकता हूँ जे माइक्रोचिप के जरिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर M10 मैंने ले रखी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्लो रिलोड वाली है। पहला किल किया, 5 गोलियां फिर से हो गई, दूसरा किल किया, 5 गोलियां फिर से, तीसरा किल किया, 5 गोलियां फिर से हो चुकी है। ऊपर से एक और बंदा आ गया, ये मैंने चौथा किल किया, 5 गोलियां दोबारा से हो चुकी है, बट यहाँ पर एमओ रिलोड पे चलेगी। तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टर की स्किल को यूज किया। जैसे स्किल को यूज करते हैं गोलियां अपने आप रिलोड हो जाती है, पूरी 5 गोलियां दोबारा से हो गई। या तो आप किसी बंदे को मार लो या अपनी कैरेक्टर की स्किल को यूज करो, गन की गोलियां फुल हो जाएगी, चाहे आपके बैग के अंदर एमओ हो या नहीं हो, बट आपकी एमओ फुल हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा सही है। रैंक के अंदर, BR रैंक के अंदर और CS रैंक के अंदर जे माइक्रोचिप बहुत ज्यादा तहलका मचा सकती है, आपको गेम जितवाने के लिए बहुत काम आ सकती है। और जरूरी नहीं M10, आप कोई भी गन में इसका यूज कर सकते हो, हर गन में ये इसी प्रकार से वर्क करेगी, एमओ अपना आ जाएगी, अपना रिलोड हो जाएगी। गाइस, आपको कमेंट करके बताना कि आपके पास जे माइक्रोचिप है या नहीं है। जिस जिसके पास जे माइक्रोचिप है कमेंट में यस लिखना और मैं कमेंट में रिप्लाई में दिल जरूर दूंगा सबको। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है और हम गिव अवे भी जल्दी ही चालू करेंगे।